फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में इंडिया टुडे मैगजीन का कवर फोटो है और उसमें उन्होंने लिखा है, उस तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है और लिखा है कि क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में दरअसल लाशों की लाइन लगी हुई है, लाशों का अंतिम संस्कार होना है और इसलिए उनके परिजन या जिनके परिवार की ये लाशें थी उन्होंने लाशों को रख कर कहीं दूर वो चले गए हैं। इसके बाद रामगोपाल वर्मा इसी तस्वीर को दिखाकर नरेंद्र मोदी सरकार पर या नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। पिछले चार दिनों के भीतर रामगोपाल वर्मा का नरेंद्र मोदी पर ये तीसरा या चौथा बड़ा हमला है। इससे पहले ठीक दो दिन पहले रामगोपाल वर्मा ने एक और ट्वीट किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर बहुत गंभीर कमेंट्स किए थे। रामगोपाल वर्मा ने लिखा था कि ऐसे पीएम को देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। ये दो दिन पहले का मैं आपको ट्वीट बता रहा हूँ रामगोपाल वर्मा का, उन्होंने लिखा था, जिसमें नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी दाढ़ी वाली तस्वीर लगाई थी उन्होंने ट्विटर पर और लिखा था, ही लिटरली लुक्स लाइक ए हिमालयन बाबा मूविंग अराउंड इन माउंटेन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स नो वंडर ही हैज नो क्लू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। दरअसल रामगोपाल वर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक हिमालय के बाबा की तरह दिख, हिमालय में घूमने वाले बाबा की तरह दिख रहे हैं और वो इस तरह दिख रहे हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए बेड के लिए मर रहे हैं। आगे रामगोपाल वर्मा लिखते हैं कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे आदमी को पीएम के तौर पर देख रहा हूँ। सो सर एट लीस्ट हैव ए शेव, मतलब वो आखिर लाइन लिखते हैं कि इसलिए प्लीज सर आप अपनी दाढ़ी कटवा लीजिए। रामगोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर ये कमेंट किया था। उसके बाद रामगोपाल वर्मा के ट्वीट के बाद अनुभव सिन्हा भी मैदान में कूद गए और अनुभव सिन्हा ने ये लिखा कि हम भी इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाकर शर्मिंदा हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, इन्हें देश चलाने की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। और वैसे भी अनुभव सिन्हा की एक पहचान जो है वो एंटी नरेंद्र मोदी की रही है, मतलब नरेंद्र मोदी की के खिलाफ ही हमेशा वो ट्वीट करते रहे हैं। लेकिन रामगोपाल वर्मा ने पिछले जो तीन चार दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए जो ट्वीट किए हैं उसने सबको हैरानी में डाल दिया है।